हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने दो वीडियो डाला था ग्रामर से रिलेटेड, बट वो उसकी जो क्लियरेंस थी वो सही नहीं थी, व्यूज़ का सही नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको डिलीट किया। तो फिर से मैं ग्रामर की क्लास आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अब मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ग्रामर की, 40 GT, PGT एंड अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, सारी चीज़ों के लिए। ग्रामर एक्चुअली सारे एग्जाम्स में आते हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते ही हैं। तो मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ और ग्रामर में जहाँ से ज़रूरी है, कंपटीशन में जहाँ से आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ज़्यादातर यू कैन से 70% ऑफ द पोर्शंस कम फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही इंक्लूडेड सारी चीज़ें, घूम घुमा कर सारी चीज़ें वही पूछी जाती हैं। तो आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं एक्चुअली, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड्स भी कह सकते हैं। वर्ड्स, अब आप कहेंगे वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ओके, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। ओके, तो ये आपके 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, और यू कैन से 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स स्पीचेस हैं ये सारे। जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा, जैसे राम लव्स सीता। ओके, तो राम क्या है, एक वर्ड है। लव्स क्या है, एक वर्ड है। सीता क्या है, एक वर्ड है। राम क्या है, आपका नाउन है। लव्स क्या है, वर्ब है। एंड सीता भी नाउन ही है। ओके, या फिर बहुत और कोई लॉन्ग सेंटेंस बना दीजिए, जिसमें कि और भी लॉन्ग सेंटेंस बन जाए, जिसमें वर्ब एडवर्ब, जैसे जैसे आई सॉ अ ब्यूटीफुल, आई सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए ये क्या है आपका प्रोनाउन, सॉ क्या है वर्ब, ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, गर्ल क्या है नाउन। तो ये सारे वर्ड्स से मिल करके ही सेंटेंस बनता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टार्टिंग जो भी होती है ग्रामर की, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है फॉर कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। वैसे तो 6th to 8th या प्राइमरी के बच्चों को और भी बिलो लेवल से पढ़ाया जाता है, बट आप प्राइमरी लेवल के नहीं हो, आप जो है कंपटीशन की तैयारी करो, तो स्टार्टिंग की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, जैसे नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें तो पता ही होंगी आपको। तो आज हम बात करेंगे नाउन के जेंडर और केसेस के बारे में। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम नाउन के बारे में। ओके, और नाउन की डेफिनेशन नहीं बतानी मुझे, प्रकार नहीं भी बताना है मुझे, नाउन के जेंडर और केस के बारे में बात करनी है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जेंडर एंड केस। तो सबसे पहले हम जेंडर की बात कर लेते हैं। जेंडर क्या होता है आपको पता ही है। जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ जेंडर। ओके, फर्स्ट इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड इज फेमिनिन, थर्ड इज कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूटर। ओके, ये देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर डिनोटेड मेल पर्सन, फेमिनिन जेंडर डिनोटेड फीमेल पर्सन, एंड कॉमन जेंडर डिनोटेड बोथ मेल एंड फीमेल, एंड न्यूटर मोस्टली डिनोटेड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि सब जानते हैं बचपन से ही कि न्यूट्रल जेंडर जो होता है, उसको कहते हैं कि जो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, सारी की सारी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से सही नहीं है। तो मैंने आपको जेंडर के चारों प्रकार बता दिए, और मैस्कुलिन फेमिनिन तो पहचाना बहुत ही ईजी होता है, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, कॉमन में। कॉमन जेंडर जब पूछा था तो हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये कॉमन है या मेल फीमेल कहा जा सकता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। ओके, कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर जो हमारा होता है वो ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। ओके, ये जो है इधर नॉर्म, इधर फीमेल, इधर मेल और ना और फीमेल, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं कुछ कॉमन वर्ड्स जो होते हैं, जैसे टीचर, टीचर, टीचर मेल होगा या फीमेल होगा, उसको आप टीचर ही बोलोगे। ओके, स्टूडेंट, इन्फेंट, इन्फेंट हो गया आपका, चाइल्ड हो गया। ओके,
डॉक्टर, थीफ, डॉक्टर, पेरेंट जो होता है, पेरेंट में आपके माता पिता दोनों आ जाते हैं, एंड कजिन। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको, कजिन के साथ क्या देखा, कजिन, कजिन में क्या है, कजिन में इंक्लूडेड हो जाता है आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जितने भी भाई बहन जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स आते हैं वो सारे के सारे कजिन में इंक्लूडेड होते हैं। बट क्या होता है कि कजिन के साथ बता देगा, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ये प्रॉब्लम करके दे देगा, फिर आपको वहाँ पे एरर फाइंड आउट करना होता है। तो कजिन ही इट्सेल्फ इज सफिशियंट फॉर द मीनिंग ऑफ चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन जो भी होता है। ओके, पर्सन जैसे हो गया, पर्सन में लेडीज एंड जेंट्स दोनों आ जाते हैं। ओके, एंड रिलेटिव्स जो होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, राइटर, सिंगर, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, राइटर, सिंगर, मेल सिंगर होगा या फीमेल होगा, सारे के सारे कॉमन जेंडर ही कहे जाएंगे। ओके, बर्ड हो गया जैसे बर्ड, एंड क्लर्क, डियर, शीप, ये सारे के सारे आपके कॉमन जेंडर हैं। कभी कभी यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लगता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। एलिफेंट, फॉक्स, अगर आपको वर्ड्स क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ऑथर, ये सारी चीज़ें आपकी, टाइपिस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी जो है कॉमन जेंडर में ही आती हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, एनिमी, गेस्ट, आर्टिस्ट, फॉरेनर, कुक, स्पीकर, नॉवलिस्ट, ओके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं कितना लिखूंगी। तो कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, मतलब देखनी पड़ेंगी, मतलब ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग ये होते हैं, ये वैसे तो आप समझ जाएंगे, ड्राइवर, टाइपिस्ट, फुट, प्रोफेसर, नॉवलिस्ट, स्पीकर, जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें होती हैं वो आपकी कॉमन जेंडर में ही आती हैं। और कुछ जो एनिमल्स के नेम थे, डियर, शीप, एलिफेंट, फॉक्स, ये मैंने लिख दिया है। ओके, और गेस्ट, आर्टिस्ट, एनिमी, ये सारी चीज़ें भी कॉमन जेंडर में ही आती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर की। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो ना ही मेल नॉर फीमेल को डिनोट करता है। ओके, ये ना ही नीदर मेल और नॉर फीमेल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड, ऑयल, क्रो, एंट, ओके, एंड बेंच, स्कूल, पार्क, प्लेसेस जो होते हैं वो भी आपके न्यूट्रल जेंडर में ही आते हैं। ओके, पेन, एंड क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी, वॉच, ये भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स की, अभी मैं बताती हूँ किस किस चीज़ों की एग्जांपल्स हैं, ऑनेस्टी, आर्मी, एट्सेट्रा। ओके, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। बट कुछ जानने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जान लेते हैं कि ऐसे अगर कलेक्टिव वे में जाना जाए तो क्या किन किन नाउंस को कहा जाता है, जो जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, ओके, वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एंड मटेरियल नाउंस, मटेरियल नाउंस आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। ओके, ये सारे जो हैं, ये तीनों नाउंस जो हैं न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो देख लीजिए आप लोग, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो तो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा, जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स भी इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं न्यूट्रल जेंडर की, स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स भी जो हैं वो इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं न्यूट्रल जेंडर की। ओके, तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल पुलिस मैन लेफ्ट हिज कैप, लेफ्ट हिज कैप। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, पुलिस मैन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, एंड पुलिस वुमेन जो है, पुलिस मैन यहाँ पे लिखा है। ओके, और अगर हम यहाँ पे पुलिस वोमेन लिख लेते हैं पुलिस मैन की जगह पे, पुलिस वोमेन, वोमेन MAN ही होगा। ओके, पुलिस वोमेन, सॉरी MEN, मतलब सारी जितने भी वोमेन जाए, तो ये क्या हो गया आपका, फीमेल हो गया, फीमेल जेंडर हो गया। ओके,
और आजकल देखें आप कुछ नाउन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, इसको कॉमन जेंडर कहते ही हैं, लेकिन इसको एक नया नाम दिया गया है जो ड्यूअल जेंडर भी कहा गया है। जैसे मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेबर हैं, टीचर हैं, ये सारे जो होते हैं ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है इनको। और थर्ड थिंग जो आपको जानना ज़रूरी है न्यूट्रल जेंडर के बारे में, जो कंट्रीज नेम होते हैं, कंट्री नेम, ओके कंट्री नेम, और ये ज़्यादातर जो होते हैं वो या तो न्यूट्रल जेंडर में होते हैं कंट्रीज नेम, इधर न्यूट्रल जेंडर और फेमिनिन जेंडर, जो कंट्रीज नेम होते हैं वो या तो न्यूट्रल जेंडर में होते हैं या तो फेमिनिन जेंडर में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, हमारे इंडिया का ही ले लेते हैं। इंडिया हैज़ अ शेक्सपियर, ओके ऑफ इट्स, अब यहाँ पे आप ऑफ इट्स कर सकते हैं या फिर ऑफ हिज, सॉरी हर कर सकते हैं, हिज नहीं कर सकते यहाँ पे आप, ऑफ हर ओन। भारत का अपना एक शेक्सपियर है खुद का उसका, तो जो कि है आपको पता ही होगा कालिदास, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। तो इंडिया हैज़ शेक्सपियर ऑफ इट्स ओन और हर ओन, तो फेमिनिन में लिखा जाएगा या फिर न्यूट्रल जेंडर में लिखा जाएगा, जो भी कंट्रीज नेम होता है। ओके अब हम बात कर लेते हैं, जेंडर की बात हो गई है, थोड़ा सा केस के बारे में देख लेते हैं कि केस क्या होता है। केस जो होता है वो रिलेशन बताता है, रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड ऑफ द चेंज ऑफ द फॉर्म बाई विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। ओके जो सेंटेंस में जो यूज होता है, प्रयुक्त होता है नाउन या प्रोनाउन, उसका संबंध अन्य शब्दों से व्यक्त करने के लिए जो जो यूज़ किया था, प्रयोग किया था विकार, उसको केस कहा जाता है। केस की एक्चुअली हिंदी क्या होती है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, तो केस हम कहते हैं कारक को। ओके कारक को कहा जाता है केस। एंड देयर आर फोर काइंड्स ऑफ केसेस, चार प्रकार के केस होते हैं। ओके ये भी आपको पता होगा, बट मैं चूंकि शुरू से शुरू करें तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनेटिव केस जो कि आपका है कर्ता कारक, थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ मैं क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होता जा रहा है तो थोड़ी अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है जैसा कि आप जानते ही हो। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, ओके एंड थर्ड इज पजेसिव केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम्स यहीं से आते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादातर यहीं से आते हैं। ओके पजेसिव जो होता है वो संबंध, जो रिलेशन बताता है, संबंध कारक। ओके एंड फोर्थ इज वोकेटिव केस, वोकेटिव केस आपका क्या है, जो एड्रेस करते हैं हम, संबोधन करते हैं, संबोधन कारक। ओके मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया, मतलब सोचा है पढ़ाने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को आती है लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से अननोन रहते हैं। तो एक्चुअली मैं स्टार्ट करी हूँ ग्रामर की, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं शुरू से ही बताऊँ सारी चीज़ें, भले ही आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कोई बात नहीं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए तो मैं एग्जाम्पल बताऊँगी, एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँगी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ओके जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल गीता मीट्स सीता। ओके तो ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस, ये आपका है नॉमिनेटिव केस। एंड दैट ये जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव केस। ओके यही है आपका क्या, ये कर्ता है और ये कर्म है, कर्ता कारक यानी कर्म कारक, ये आपका ऑब्जेक्टिव है नॉमिनेटिव का, ये बताया मैंने। और आगे देखते हैं पजेसिव के बारे में। ओके तो चलिए बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार, जो ओनरशिप होता है या संबंध रिलेशन का भाव प्रकट होता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस कहते हैं। ओके जहाँ पे ओनरशिप, जहाँ पे पोजेशन दिखाना होता है, अधिकार दिखाना, जैसे ये मेरा है, ये उसका है, ये चीज़ें हमारी हैं, जहाँ अधिकार दिखाया जाता है वहाँ पे हम पजेसिव केस का ही यूज़ करते हैं। और पजेसिव केस से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में जो एरर पूछता है, एरर पुटअप होता है, वो पजेसिव केस से ही होता है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल ही दे देती हूँ एक, जैसे कि किसी को जैसे कुछ बताना हो, जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए,
वैसे इसकी डिटेल स्टडी हम आगे की वीडियो में करेंगे। आ टेबल, आ टेबल्स लेग, ओह सॉरी यहाँ मुझे एस लगाना है, ए टेबल्स लेग्स। ओके वर ब्रोकन, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। बाय माय, ये पोर्शन एक हो गया, और इसके आगे आपका है एंग्री ब्रदर। एंग्री ब्रदर एंड लास्ट इज नो एरर। अब आप फाइंड आउट करिए कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है, बताइए। अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर। अगर किसी को आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए जो इस सेंटेंस है इसमें जो ए टेबल्स लेग है ये यूज़ आपका गलत है, क्योंकि हमें जो टेबल है द टेबल जो लेग्स है द लेग्स ऑफ अ टेबल ये हो सकता है। ओके क्योंकि जो टेबल है वो बेंच है, ये सारी क्या होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो आपका जो एरर है वो किस पोर्शन में है, इस पोर्शन में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द लेग्स ऑफ दैट ऑफ अ टेबल, द लेग्स ऑफ अ टेबल वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर। तो आपका जो एरर है वो आपका ए पोर्शन में है। ओके ये ए, उसको मैंने ऐसा नहीं लिखा, ए बी सी एंड डी एंड ई। ओके तो आपके जो प्रॉब्लम ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम पजेसिव केस को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे आपने आगे की वीडियो में। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम पजेसिव केस के बारे में जानेंगे डिटेल में, तो कि एक्चुअली में इसमें क्या कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती हमारी यहीं पे होती है। और ज़्यादातर पजेसिव केस के क्वेश्चन आते हैं, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है फाइंड आउट कर ही लेते हैं कि कहाँ पे नॉमिनेटिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, प्लेसेस जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, बट पजेसिव में ही प्रॉब्लम होती है। तो कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, कहाँ पे हमें ऑफ लगा करके पजेसन दिखाना है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज भी कराई जाएगी इसकी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है एक चैप्टर तुरंत मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। ओके और ग्रामर के जितने जो भी पोर्शन है मैं सारा ईच एंड एवरीथिंग सारी मैं कंप्लीट करूंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, जिससे और लोगों को भी पता चले, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ओके तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।